आज हम बनाने वाले हैं अदरक इलायची वाली चाय। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। यहाँ हमने अदरक लिया है जो इसको घिस लिया है, और यहाँ हमने इलायची लिया है, और चाय पत्ती लिया है, चीनी लिया है, और ये दूध लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है। तो सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अदरक इलायची को हम दरदरा कूट लेंगे। तो दोस्तों मैंने इलायची को दरदरा कूट लिया है, और जो इसका छिलका है हम इसको फेंकेंगे ना, इसको भी डाल देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा पानी खूब उबल रहा है। अब इसमें हम इन सब सारी चीज़ों को डाल देंगे। देख रहे हैं दोस्तों ये सब सारी चीज़ अच्छी तरह से, चाय पत्ती जो अच्छी तरह से कलर छोड़ दे रहा है दी है, और पानी भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डाल दिया, देख रहे हैं दोस्तों वहाँ दूध में भी उबाल आने वाला है। इसके बाद हम शक्कर डालेंगे इसमें। तो देख रहे हैं दोस्तों अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों हमारा चाय अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे इंडक्शन को हम बंद कर देंगे। चाय को किसी दूसरे बर्तन में छान लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा चाय बनकर रेडी है, जो कि अदरक इलायची वाली चाय पीने में बहुत ही टेस्टी होता है।